हड़ा नाल प्रभावित किसानां दे लई इक वड्डा झटका, क्योंकि मुआवजे दे संबंध दे विच केंद्र सरकार दे वल्लों कोरा इनकार कर दिता गया। हुण किस मामले दे विच इह इनकार कीता गया है, गल्लबात इस दे उपर करांगे ते नाल ही नाल गल करांगे किसानां दी। किसानां दे वल्लों भी हुण सरकार दे खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिता गया है, एक बड़ा संघर्ष विढ़ने की तैयारी कर दी गई है। इस संघर्ष किस मामले के उपर ते किस सरकार दे खिलाफ होने जा रहा है, गलबात उस दे उपर भी करांगे ते नाल ही नाल गलबात करांगे धारा 370 दी। 370 धारा नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दे विच एक बड़ा बयान दिता गया केंद्र सरकार दे वल्लों कि लोकतंत्र हुण जम्मू कश्मीर दे विच बहाल होने वाला है। किस तरह का सनैरियो बनता नज़र आ रहा 370 दे उपर गलबात उस दे उपर भी करांगे ते नाल ही नाल गलबात करांगे एक अहम बयान दी, जिहड़ा बयान सिलंडर सस्ता होने तो बाद भाव कि केंद्र दी सरकार वल्लों लोकां नूं राहत देण तो बाद सामने आया है। किस वड्डे चेहरे राजनीतिक चेहरे वल्लों ऐलान किया गया है, आखिर इस दे पिछे सरकार दी मंशा की है कि सिलंडर हुण सस्ते क्यों किए गए ने, गलबात उस बयान दी भी करांगे। सत श्री अकाल, मैं लखविंदर सिंह मान ते तुसीं देख रहे हो खबर सवेर। इन्हां सारियां खबरां दे उपर विस्तार दे नाल चर्चा करन दे लई मेरे नाल ने प्रोफेसर मनजीत सिंह अणकी जी। सब तो पहला स्वागत कर लैंदे आ अणकी जी, स्वागत है प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, सारयां नूं सत श्री अकाल। अणकी जी, पंजाब दे विच हड़ां दी स्थिति दे कारण किसानां दा वड्डा नुकसान, जिस दे उपर मुख्यमंत्री साहब लगातार ही गल कहिंदे नज़र आ रहे सी भी फंड बहुत ने, मुआवजा पाई पाई दा दित्ता जाएगा। तो पिछले दिन ही जां आपां कल दी गल करिए, केंद्र सरकार वालों हरी झंडी भी दित्ती गई सी भी तुसीं जिहड़ा डिजास्टर फंड है उहदे विच्चों किसानां नूं मुआवजा दे सकदे हो, लेकिन नाल ही नाल हुण इक चुप्पी वट्टी हुई है मुआवजे दी राशि नूं लै के। किवें देख रहे हो सरकार दे उस रवैये नूं कि हुण इस मामले दे विच पंजाब सरकार अपने तौर दे उपर किसानां दी कोई मदद कर सकदी है? मान साहब, अगर वेख्या जाए तो इस वेले किसानां दी हालत जां पंजाब दे विच हड़ पीड़तां दी हालत जिहड़ी बड़ी तरसयोग जिहड़ी उह बनी हुई है, क्योंकि पंजाब दे लोक जां खास तौर ते किसान जिहड़े ने उह हड़ां दी मार हेठां एक वारी नहीं बल्कि दो वारी आ गए आ, लगातार दो वारी आए ते जिस कारण उन्हां दा जिहड़ा नुकसान आ उह बहुत ज़्यादा जिहड़ा होया। हुण नुकसान दे पक्ष की जेकर गल करिए तां अजे किसान झोना ला रहे सन, हड़ां दा पाणी जिहड़ा पैड़ियां 'च आ गया, जिवें खेतां 'च आ गया, झोने की फसल जिहड़ी बिजाई सी उह तबाह हो गई। दूजी वारी किसानां ने फिर हौसला करके लाउंदा शुरू किया, अजे वह बिजाई स्टार्ट ही की सी, दोबारा एक बार फिर हड़ा ने आण के दोबारा उन्होंने किसानों के जोड़े सुपने से वह चाह चूर कर दते। हूँ उस मुद्दे के उत्ते पंजाब सरकार ने इस तो पहला जो पंजाब दे विच नुकसान होया केंद्र सरकार को बेनती की कि वह अपन टीम भेजन ता जो इतों जो हड़ा के कारण लोगों का नुकसान होया उसकी जाँच जी की जा सके। तो नाल ही नाल पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पासों मांग की कि ज़्यादा तो ज़्यादा फंड जिहड़े वह मुहैया किए जा। हुण केंद्र सरकार ने टीम तो भेजी, टीम ने पंजाब के हर पीड़ित या हर प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया, उसकी रिपोर्ट भी लैके चले गए, पर जिहड़ा सब तो त्रासदी यह सी कि जिस तरीके नाल पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पासों हर पीड़ितों वास्ते ज़्यादा राशि की मांग की उहदे संबंधी केंद्र सरकार ने जिहड़े हाथ आ वह अपने खड़े कर दिते, तां पूर्ण तौर पर चुप जिहड़ी आ उह वट ली। चुप किस संदर्भ च वटी है? चुप इस संदर्भ च वटी है कि जिस तरीके नाल पंजाब सरकार ने यह गल केंद्र सरकार नूं कही जां केंद्र सरकार दीआं टीमां जायजा लैके गई कि हाँ भी नुकसान होया तां किसानां दा जिहड़ा नुकसान होया उस तरीके नाल पूर्ति जिहड़ी उह कीती जाए, पर केंद्र सरकार जिहड़ी इस मुद्दे ते चुप आ। उन्होंने कहा कि जो डिजास्टर फंड हैगा जो सरकार वालों केंद्र सरकार वालों निर्धारित फंड आ उस फंड के आधार पर ही जिहड़ा राज सरकार नूं जां पंजाब सरकार नूं जिहड़ी सहायता दित्ती जाएगी, क्योंकि यह निजमां दे अनुसार केंद्र सरकार ने निजमां दा ढंडोरा पिटदिआं कहा कि जो डिजास्टर फंड दे विच एक वारी निजम बना ले गए ने उस आधार से समुचे राज्यां नूं राशि जिहड़ी आ उसके हिसाब नाल बनदी जिहड़ी आ उह दित्ती जाएगी। हुण स्थिति यह आ कि निजमां दे अनुसार सारे राज्यां नूं जिहड़ी राशि एक जगह मुक्त जिहड़ी राशि है ज्यादा मुक्त राशि जिहड़ी आ उह दित्ती जाती है।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਲਟ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਚੁੱਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 33% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 33% ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ 6800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰਦਾਵਰੀ ਅਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਰਸਯੋਗ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਵਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, 2 ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਣਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੀਜ ਸਕਣਗੇ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦਾਇਕ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਔਖਿਆਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਔਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਹੈ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਆਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ, ਇੰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ
जमीनी पद्धर के उपर शायद लोग सरकार के वल आसा भरिया निगाह वाल तक रहे हैं कि आने वाले दिनों हूँ मान सरकार अपने पद्धर से कोई वड्डा फैसला इन्ह किसानों के लिए क्योंकि केंद्र सरकार ने 6800 रुपया कहता है उस तो बाद हूँ मान सरकार इन्ह लोगों की बांह किमें फट जाए क्योंकि मान सरकार लगातार कहती नज़र आई भी लोगों के नाल खड़े असी बांह फटते हैं विरोधियों भी इस मामले से घेरते नज़र आए हैं तो दूसरे पास किसानों के वलों एक बड़ा ऐलान कर दिता गया वो संघर्ष के राह के उपर तुरते हुए नज़र आ रहे हैं वो ऐलान की है कि संघर्ष बिढ़िया जा रहा है तो संघर्ष बिढ़न का कारण की है। बिल्कुल मान साहब जिहड़े जिस तरीके अपने इस प्रश्न के पहले हिस्से चर्चा की ने उस प्रसंग के हुण पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां अपनियां इन्हां मंगां नूं लैके संघर्ष का राह उलीकण का उन्होंने जिहड़ा ऐलान है मान साहब वह कर दिता तो 32 किसान जथेबंदियां नूं उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब का जिहड़ा नाम दिता है। कल प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई प्रैस कॉन्फ्रेंस के किसान नेतावान ने इस गल ते जोर दिता कि जिस तरीके किसानों का जिहड़ा नुकसान होया एक वारी नहीं होया दो वारी होया ते झोने की फसल जिहड़ी आ पूर्ण तौर पर तबाह जिहड़ी हो चुकी है तो जो कि मान सरकार ये गल कही रही है ईवन के मुख्यमंत्री साहब ये गल कहते रहे कि किसानों का पाई पाई का हिसाब जिहड़ा मैं देवगा मरी हुई मुर्गी के पैसे भी देवगा बकरी के भी पैसे देवगा तो इन्हों गलों लैके जो जी स्थिति हुण किसानों की बनी है उन्होंने लैके किसान यूनियन होना एक बड़े संघर्ष का ज संघर्ष विढ़न का जिहड़ा ऐलान आ उन्होंने किया। किसान नेतावान ने एक गल कही है कि इन्हां कुछ हो जाने के बावजूद भी इस तरीके लग रहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार तो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के प्रति गंभीर जिहड़ी आ वो नज़र नहीं आ रही तो जिसनों आधार बना के जिस करके किसान जिहड़े ने किसान हुण तक सरकार को सिर्फ अपनी मंगां नूं लैके गलबात करदे रहे आ पर सरकार जिहड़ी आ उन्हां दीआं मंगां नूं हमेशा ठंडे बस्ते विच पा के समां टपाउण दी नीति ते काम कर रही है जिस कारण किसानों का जिहड़ी बर्दाश्त की सीमा आ वह खत्म हो चुकी है। तो इस कारण किसान जथेबंदियां 32 किसान जथेबंदियां ने 11, 12 ते 13 सितंबर को पंजाब दे विच एक वड्डे संघर्ष विढ़न का जिहड़ा ऐलान किया आ जिस के तहत उन्होंने इन्नी गल कही है केंद्र के मंत्री केंद्र के जिहड़े हन लोक सभा मैंबर वह ते पंजाब सरकार के मंत्री ते विधायक ते ईवन के मुख्यमंत्री दे घरां दा जिहड़ा घराओ किया जाएगा और उन्हां नूं घरां दे अंदर ही रहने वास्ते मजबूर जिहड़ा किया जाएगा भाव उन्हां दे धरने घरां दे अगे जिहड़े ने रोह प्रदर्शन जिहड़े ओह कीते जाणगे। ये हुण जिहड़ा अपने आप दे विच मान साहब बड़ा वड्डा ऐलान जिहड़ा किसान जथेबंदियां वल्लों किया गया अगे तां चलो जथेबंदियां जिस तरां सुरजीत सिंह डल्लेवाल हो गया गुरमीत सिंह पंधेर हो गया जां इहो जिहे बंदे आपो अपने पद्धर ते ऐलान जिहड़ा करदे रहे आ तो जिन्हों तो लोग भी जिहड़े ने खफा होंगे कि क्योंकि जिस तरीके आम साधारण लोगों की मुश्किलों से वाधा होंगे लोग इस चीज़ को पसंद नहीं सन करते पर हुण जिस तरीके संयुक्त किसान मोर्चा 32 जथेबंदियों का अगे आया तो उन्होंने ठीक अपनी उस नब्जते हाथ रखने हुए इन्हों मंत्रियों का इन विधायकों का घराओ करने का फैसला किया तो अपने लखविंदर जी आप गल कह सकते हैं कि किसान हुण एक वड्डा संघर्ष विढ़न के रौं च ने एक अंदोलन कर रौं च ने ता जो सुती हुई सरकार को जगाया जा सके क्योंकि बहुत सारिया अजिहिया मंगा ने जिहड़ियां केंद्र सरकार नाल संबंधित ने तो केंद्र सरकार उन्हां मंगा नूं लैके हमेशा अवेसला जां ताला वटती रही है तो दूजे पासे पंजाब सरकार इस मुद्दे ते चुप रही है क्योंकि ये मंगा केंद्र नाल संबंधित ने सानूं कोई लोड़ नहीं तो अजिही स्थिति विच हुण दुखी हो के जो किसान इन्हां मंत्रियां आम आदमी पार्टी दे विधायकां जां होना दे जां केंद्र सरकार दे लोक सभा मैंबरां जां मंत्रियां दे के घर आ के धरदे देणगे तो फिर कुदरती तौर पर कितने ना कि फिर असर जरा इसका जरूर होगा जो कर पिछले समय के अकाली जो कांग्रेस की सरकार से उदों भी ये चीज़ा देखिया तो हूँ यह वेखना होगा कि 11, 12, 13 जिहड़ियां 3 तरीक अपने SKM ने दित्तियां ने यह किहो जिहा संघर्ष अख्तियार कर दिए ने कि यह संघर्ष शुरू होने तो पहला पंजाब सरकार की किसानों को संतुष्ट कर पाती है ये उत्ते नज़र जिहड़ियां ने हुण जरूर टिकिया रहणगियां। बाकी यह गल असीं कह सकते कि किसान जथेबंदियां हुण जिस तरीके नाल संघर्ष दा उन्होंने ऐलान किया पंजाब दे विच आउंदे दिन पंजाब सरकार वास्ते ते केंद्र सरकार दे मंत्रियों वास्ते काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते जी बिल्कुल मुश्किल भरे हालात तुसीं गल करदे नज़र आ रहे हो चाहे केंद्र की गल है चाहे राज सरकार की गल है लेकिन दूसरे पास हुण हाई कोर्ट की गल करिए हाई कोर्ट के वलों भी कल पंजाब सरकार नूं झाड़ पाई गई है तिखियां टिप्पणियां कीतियां गईआं ने ते नाल ही नाल जवाब भी मंग लिया गया टाइम बाउंड करके किवें देख रहे हो हाई कोर्ट के उस फैसले जिथे कल पंचायतों के मामले के उपर
तिखी झाड़ पई है ते तिखियां टिप्पणियां हाई कोर्ट वालों मानयोग हाई कोर्ट वालों किए गए हैं किवें देख रहे हो सरकार दे पक्ष नूं? हाँ मान साहब, कल दे प्रोग्राम भी आपां गल कीती सी कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे वह दिल्ली च होवे ते चाहे वह पंजाब च होवे जदों उन्होंने अपने संदर्भ च कोई गल करनी हुंदी है तां उदों हमेशा वह केंद्र सरकार वालों लोकतंत्री कदरां कीमतां दे घाण की गल करदे हुए गल शुरू करते हैं कि जिहड़ी केंद्र की भाजपा सरकार आ वो राज्यां दे संघ जो राज्यां दे हक्कां ते डाका मार रही आ राज्यां दे विच लोकतंत्री कदरां कीमतां दा घाण कर रही आ दिल्ली दे विच उन्होंने हवाला दिंदे ने कि इस तरीके नाल सानूं कम्म नहीं करन दित्ता पंजाब दे विच भी भगवंत मान हुणी कह दिंदे कि राष्ट्रपति जिहड़े गवर्नर ने वो जानबुझ के दखल अंदाजी कर रहे थे मनुखी जो लोगों के हक ने उन्होंने कतल करने की कोशिश कर रहे हैं पर जदों कि दूजे पासे जिस तरीके 10 अगस्त को पंजाब सरकार ने पंचायतों को भंग किया उस तो वड्डी मिसाल शायद होर कोई नहीं मिल सकती कि किस तरीके नाल लोकतंत्री कदरां कीमतां दा घाण भी आम आदमी पार्टी ने पंजाब दे विच अपने हितों नूं सामने होया कीता। खैर पंचायतां पंजाब सरकार वालों भंग करके 6 महीने पहलां भंग कर दित्तियां गईआं तां जदों इह भंग होई आ तां कुदरती तौर ते इस दा रौला तां जिहड़ा पैणा ही पैणा सी तां हाई कोर्ट तक इस दी गल जिहड़ी आ पहुंची तां फिर हाई कोर्ट ने जिस तरीके नाल 2 दिन सुनवाई करदे आ पंजाब सरकार नूं झाड़ पाई वो भी अपने आप के एक बड़ी वड्डी ऐसी घटना जिहड़ी वो कह सकते हैं। हुण हाई कोर्ट ने कल की सुनवाई के जिस तरीके पहला पंजाब सरकार ने यह गल कही कि लोग हितों को मद्देनज़र रखते हुए असी पंचायतों भंग की है मानयोग हाई कोर्ट ने पूछा कि हाँ जी लोग हितों की परिभाषा की है तुसीं वो डिफाइन करो पंजाब सरकार उत्थे चुप रह गई ठीक है जी। फिर उस तो मगरों उन्होंने कहा जी असी फंडा जी सहायता जी गल हैगी फंडा की वरतों ठीक तरीके हो इस करके जी असी जे प्रशासक ला दिए गए हैं तो हाई कोर्ट ने बड़ा अहम मुद्दा उठाया कि जो तुम लोगों के चुने हुए नुमाइंदों ही भंग कर दिता तो फिर किस तरीके राहत समग्री जी प्रधान जी कर सकोगे कह रहे हो जो सवाल हुए तो उन्होंने कल का समा मंगया हूँ कल जो बीते दिन सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने फिर जिस तरीके फटकार पंजाब सरकार को पाई वो भी अपने आप के लाजवाब हैगी है। हाई कोर्ट ने फिर उन्होंने मुद्दों की गल की कि हाँ भाई पहला तो तुम ये दसो कि किस आधार पर तुम ये जीडिया पंचायत चोणों माफ करना जिहड़ियां पंचायतों को तुसीं भंग किया है क्योंकि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे वो हैं जिन्हां ने लोगों के भले की गल करते जां लोगों के कामकाज उन्होंने करवाए हैं तो दूजे पासे पंजाब जिहड़ा हड़ां दी मार हेठां आया होया केंद्र सरकार वालों राहत राशि प्रदान की जा रही है तो जेकर तुसीं लोगों के चुने हुए नुमाइंदियां दे रूप दे विच चुनियां पंचायतों नूं भी भंग कर दोगे तो फिर केंद्र वालों जिहड़ी राहत राशि प्रदान की राज सरकार नूं की गई है वह किस तरीके नाल लोगों तक पहुँचेगी दिन पंजाब सरकार फिर इस मुद्दे से बिल्कुल चुप रही जवाब भी जो को कुछ नहीं आया तो अजिहियां स्थितियां केंद्र सरकार ने यह गल कही माफ करदा जी हरियाणा हाई कोर्ट ने यह गल कही पंजाब सरकार को कि तुम अपनी मन मर्जी दिना शब्द उन्होंने मन मर्जी वरत्या कि मन मर्जी ना तुम अपन योजना गल् जीडिया वो तुम नहीं कर सकते संविधान के दायरे में रह के ही राजतंत्र चला सकते जी पर पंजाब सरकार इस मुद्दे से जी चुप रही है हुण उन्होंने 31 अगस्त तक का टाइम मंगया कि हाँ जी सानू 2 दिन दे दो कि जवाब असी दे सकीए हुण मान साहब पंजाब सरकार की जवाब दिंदी जां की जवाब नहीं दिंदी ये तो एक लिटिगेशन का मसला है सर कोर्ट और पंजाब सरकार के मसला पर जिस तरीके पंजाब सरकार के लोगों के चुने हुए नुमाइंदियों समय तो पहला भंग किया तो ये राज सरकार की जी असी कह सकते कि अंदरली जी साजिश आ जां अंदरली जो सोच आ वो व्यक्त हो जाती है कि 2024 तो पहला पहला जी आम आदमी पार्टी हैगी हेठले पद्धर से अपना एक मजबूत वोट बैंक आधार में कायम करना चाहती है पंचायतों के रूप के जो जन्म दसंबर तक चोणा करा के एक मजबूत आधार जरा कायम कर लिया जाए ता जो फिर 2024 दिड़िया चोणा होनी ने एक तगड़ा वोट बैंक अपने हक या अपने उम्मीदवार के हक में भुगता लिया जाए तो इस सब पासे विरोधी धिर ने तो अपने रडार से लैना ही लैना सी पर हाई कोर्ट जिस तरीके इस मुद्दे से सख्त होकर पंजाब सरकार को झाड़ पा रही है उत्थे जरूर पंजाब सरकार वास्ते असीं कह सकते कि बदलना नहीं मिला सुहाबा क्योंकि यह पार्टी वह आ कि जिते ये लोकतंत्री कदर कीमतों की गल करती है अपने हकों या अपने हितों सन्मुख रख के पर दूजे पासे उ पार्टी जी लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की जमात को भंग करके अपन राजनीतिक इच्छावां की पूर्ति वास्ते अजिहे जिहड़े काम करती है यह कई भी सूरत में सरकार दे शलाघायोग जी वो नहीं है। खैर हुण हाई कोर्ट ने जिस तरीके रुख लिया और सरकार के मंशियां नूं नंगा किया हुण यह वेखना होगा कि 31 अगस्त यानी कि कल पंजाब सरकार इहदे संबंधी अपना की रुख अख्तियार करती जां अपना की पक्ष जिहड़ा पेश करती है यह गल हुण देखण वाली होगी जी।
बिल्कुल सर बिल्कुल, उधर भी निगाह रहेंगे ते निगाह केंद्र वाल भी रखने पैणगे, क्योंकि जिथे तुसीं पंजाब सरकार की गल की 2024 तो पहला वोट बैंक नूं मजबूत करन दे लई उन्हां दे वल्लों पंचायतां भंग कीतियां गईआं ने, उधर केंद्र सरकार भी इस मामले दे विच नवें नवें हथकंडे अपनाउंदी हुई नज़र आ रही है, राहत दे रूप दे विच लोकां नूं भरमाउण की कोशिश की जा रही है। सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया गया, वड्डी राहत देने की कोशिश की गई है। इस तो बाद ममता बैनर्जी ने सरकार की मंशा उजागर करने की कोशिश की है, वो बारे भी लोगों दस दौ, तो नाल ही नाल एक 370 धारा जी कि जम्मू एंड कश्मीर के है सरकार के वलों केंद्र सरकार भी पूछ लिया गया भाई लोकतंत्र बहाल कदों होना है तो कदों उत्थे चोणा होनी, इस संबंधी भी ये पूरी दो खबरों के उपर विस्तार साडे दर्शकों को समझायो भी आखिर यह पूरा मामला हुण किस नज़र जापदा नज़र आ रहा। मानसा पहला तो असीं गल करिए कि 200 रुपये सिलेंडर सस्ता होने की केंद्र सरकार ने कल ऐलान किया कैबिनेट की मीटिंग दे विच कि जिहड़ा घरेलू खपतकार जिहड़ा सिलेंडर आ वो 200 रुपया सस्ता कर दिता गया, 200 रुपया घटा दिता गया, जिहदे विच जिहड़ा 1150 दा मिलता सी 1105 रुपये का दिल्ली च मिलता सी 905 रुपये का मिलेगा। तो नाल ही नाल उन्होंने ये भी गल की कि आउंदे दिनां दे विच पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां दे विच वड्डी राहत जिहड़ी आ वो लोगों जी प्रदान की जा सकती है। निरसंदेह महंगाई के इस युग के मान साहब जेकर 200 रुपया सरकार सिलेंडर तो गैस तो घट कर दी है तो कुदरती तौर पर शलाघाजोग कदम हैगा, और दूजे पासे पेट्रोल डीजल कीमतों भी जेकर इस तरीके का घाटा हुंदा सरकार वालों कटौती की जाती है तो लोगों को वड्डी राहत प्रदान जी दिखाई जी होंगी है। पर जो सब तो वड्डा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अज तो कुछ दिन पहला ममता बैनर्जी जो पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ने उन्हों का एक बयान आया कि केंद्र सरकार जी है समय तो पहला चोणा कराने मूड के हैगी है, क्योंकि तुम्हें याद होगा जिस तरीके ने अपना एक दिन सी वोटर की गल की तो उस भी जरा NDA गठजोड़ से उस 2024 सरकार बना नज़र आ रहा। तो ममता बैनर्जी का यह जो बयान अज तो ठीक 2 या 4 दिन पहला आया कि केंद्र सरकार चोणा पहला कराने मूड हैगी है। हुण जिस तरीके यह हुण कटौतियां जां इहो जी राहत जिहड़ी दित्ती जाण लग पई है केंद्र सरकार वल्लों तां इस दे पिछे जिहड़े खास तौर पर असी सियासी माहिर ने उह ते दूजे पासे ममता बैनर्जी दे उस बयान नूं काफ़ी जोर मिलदा कि जिहड़ा उन्होंने कहा सी कि शायद केंद्र सरकार वक्त तों पहलां पंजाब च नहीं भारत में चोणां कराउण दे मूड विच हैगी है। हुण जिस तरीके नाल मोहत रिओड़ियां जिस तरह अपने प्रधानमंत्री कहिंदे ने वंडणी शुरुआत जिहड़ी हो गई आ, दूजे पासे केंद्र सरकार ने अपनिया पटारा जिहड़ा खोल दिता लोगों नूं राहत देने वाला, तो यह साफ संकेत अर्थ यो है कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है समय तो पहला खास तौर पर लोग सभा दीआं चोणां दे संदर्भ दे विच कुछ वड्डा फैसला जिहड़ा आउंदे दिनां विच लै सकती है, क्योंकि एड्डी जल्दी 200 रुपया सिलेंडर दे विच घट करना और पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां विच होर घाटे दा कटौती दा ऐलान करना अपने आप दे विच इक संकेत आ कि शायद लोग सभा दीआं चोणां जिहड़ियां उस समय तो पहला हो सकदियां ने। इहदे संबंधी आपां लखविंदर होणा नाल भी एक प्रोग्राम जिहड़ा माफ करना सुखविंदर होणा नाल भी इस संबंधी प्रोग्राम आपां पिछले तौर च कीता सी कि केंद्र दी जिहड़ी भाजपा सरकार इस मुद्दे ते कुछ अजिहा कर सकती है, पर हुण जिस तरीके दे नाल इह राहतां जिहड़ियां वंडियां जाणियां शुरू होईयां ने इह साफ संकेत आ कि कुछ ना कुछ जिहड़ा आ केंद्र सरकार अजिहा करन दे मूड विच हैगी आ तां जो लोकां नूं इहनां राहतां दा लाभ दे के फायदा जिहड़ा उहनां चोणां दे विच प्राप्त जिहड़ा कीता जा सके, क्योंकि माहौल जिहड़ा वह बनना शुरू हो गया। हुण दूजी खबर जिहड़ी सी वह जम्मू कश्मीर नाल संबंधित हैगी आ। जम्मू कश्मीर नाल संबंधित अज तो 2 या 3 साल पहला जिस तरीके नाल JNDK नूं तोड़ के जे यूनिटी टैरिटरी बना 370 तोड़ के यूनिटी UT बना दिता गया। इस मुद्दे को लैके वख-वख राजनीतिक पार्टियां ने सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े रिट पटीशन जिहड़ियां वह दायर कीतियां होईयां ने, तो अजे तक हुण उत्थे राष्ट्रपति राज जिहड़ा लागू होया तो हुण बकायदा तौर पर इस पटीशन के खिलाफ जिहड़ी सुनवाई आ वह मान साहब जिहड़ी वह शुरू हुई है। तो कल जिस तरीके ने फिर जस्टिस DR चंद्रचूड़ हुणां ने इस मुद्दे की सुनवाई की, तो केंद्र सरकार को सख्त शब्दों के पूछा गया कि यह दस्या जाए कि उत्थे लोकतंत्र की बहाली जिहड़ी आ कदों होवेगी, क्योंकि एक लंबा समा तुसीं किसी भी राज नूं तोड़ के UT दे रूप के जिहड़ा वह नहीं रख सकते। तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंधी केंद्र सरकार को जी सख्त ताड़ता जी वो दे के पूछा कि हाँ भी असल मंशा की है, इन्ना लंबा समा किस करके जरा उ
यूटी के रूप के ही जे एंड के बनाया जाए, उसको कदों पूर्ण राज का जरा दर्जा आ वह दिता जाएगा। तो कहते कि भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल जे ने उन्होंने जवाब दिता कि हालात जे जो भी सामे होंगे ये संबंधी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि जो हालात सामे हो गए ठीक हो गए उस वक्त जरा यूटी आई उस स्थाई रूप के नहीं रखना, उसू राज जरा पूर्ण राज का दर्जा जरा वो देता जाएगा। तो चोन प्रक्रिया का जरा अमल आ उत्थे शुरू होगा। उन्होंने यह भी गल की कि गो अपने ले और जम्मू के कुछ एरिया जी चोन प्रक्रिया है वो जी शुरू हो चुकी है। हुण मसला मान साहब यह है कि जिस तरीके ना केंद्र सरकार ने धारा 370 को तोड़ के उत्थे यूटी बना के सीधा जम्मू कश्मीर को अपने निगरानी हेठ लै लिया, तो यह केंद्र सरकार की उस मंशा भी पेश करता कि किस तरीके ने जिते राज्यों भाजपा सरकार नहीं है उत्थे राष्ट्रपति राज इस तरीके अपना छप्पा जरा कायम रखा जाए। पर दूजे पासे हुण जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे से सख्त हुई है और सरकार पासों पूछा गया कि कदों तक इस संबंधी तुसीं फैसला दोगे, और नाल ही हुण दूजे पासे जिहड़े सॉलिसिटर जनरल ने उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक यानी कि कल नूं कोई अहम जरा ऐलान इस संबंधी केंद्र सरकार वालों किया जा सकता। असीं कह सकदे कि आउंदे दिनां दे विच इस मुद्दे नूं लैके सुप्रीम कोर्ट जी काफ़ी स्पष्ट आ, जेकर केंद्र सरकार ने अपने पद्धर से इस संदर्भ कोई बयान या कोई फैसला ना किया तो हो सकता सुप्रीम कोर्ट वालों कोई सख्त फैसला इस संदर्भ आ जाए। पर हाँ दूजे पास जे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये भी गल कही है कि किसी भी राज की सुरक्षा सब तो पहला आ केंद्र सरकार के इस मुद्दे ना जी सुप्रीम कोर्ट पूर्ण तौर पर सहमत हैगी है। पर लोकतंत्र की बहाली के भी सुप्रीम कोर्ट का यत्न है कि किसी राज में लोकतंत्री कदर कीमतों का जो कान आ ना हो। सो हुण वेखना होगा कि आने दिनों केंद्र सरकार जी जम्मू कश्मीर के संबंध में की रुख तैयार करती जी। जी आप कह सकते लोकतंत्र के लिए 31 अगस्त बड़ा अहम दिन पंजाब के संदर्भ के जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ के, क्योंकि जिते 370 के संबंध के केंद्र सरकार कोई अहम फैसला कर सकती है उत्थे ही पंजाब दे विच पंचायतों नूं भंग करने संबंध के जो सवाल पूछे गए सी उसके संदर्भ के पंजाब सरकार भी अपना कल जवाब दाखिल करेगी। सो अहम दिन 31 अगस्त आप कह सकते हैं लोकतंत्र की बहाली दे रही। सो किवें दा रहेगा, किस तरह के जवाब पंजाब सरकार दे लेंगे, तो किस तरह का बयान किस तरह का ऐलान हुण जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ के 370 धारा के संदर्भ केंद्र सरकार का रहने वाला होगा, ये कल तक वेट करनी पड़ेगी। सोनकी साहब तुम गलबात करने साढ़े नाल जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब। इस सन प्रोफेसर मनजीत सिंह अणखी जी जिन्हों वालों अज दिन अहम खबरों के उपर विस्तार के चर्चा की गई है। तुहानू चर्चा किवें लगी कमेंट करके जरूर दस्यो। अगले प्रोग्राम विच फिर तो होएगी मुलाकात, उद तक दिओ इजाजत, धन्यवाद।